अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर खैरे से होंगे। आ गया तू जवान हो के बैक विद अनदर व्लॉग। इफ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब। आल्सो इफ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन हो गया। जैसा कि कल के व्लॉग नहीं मैंने आपको बताया था कि मैं एक और व्लॉग बनाऊंगा। व्लॉग इस चीज़ का है, बताया था कि हम लोगों को लेने जाना है एयरपोर्ट। वहाँ पे जा रहा हूँ, बस अभी नहाया हूँ। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट की वजह से लेट स्टार्ट किया, क्योंकि दूसरे से काम थे तो नहा कर आया हूँ। तो अब ये के कपड़े पहने, कपड़े भी दिखा देता हूँ। ये कपड़े बेड को गुनवर मारिएगा, बाकी पहनता तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं। 5 minutes later. तो जी ये ड्रेसिंग हो गई है, अब हम निकलने लगे हैं मामू के घर की तरफ। मैं ड्रेसिंग दिखा दूँ तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो जी अभी हम लोग निकले नहीं हैं, अभी ज़रा दो डंकिन डोनट जाने, बच्चों के लिए डोनट वगैरह लेने। ये ऊपर से कुछ बिलून लिए उनको लिए, और एक अभी चीज़ है ना, वो क्या कहते थे पॉपेट्स होते हैं जो मामू, ये सही नाम नहीं आता, बोलिए। तो ये अभी क्योंकि हम लोग ज़रा थोड़ा सा बिजी हो गए थे इस चक्कर में, स्टाफ कर रहा मिल गया फिर भी क्या था मैं बात, हाँ अपना ट्रक धुलवाया, डिटेल से धुलवाया उसको, फिर कपड़ा शपड़ा मार के रिम चिम साफ किए, फिर टायर शाइनर किया, और फिर आकर इधर उस पर लेदर सीट्स वो साफ किए हैं। तो अभी बस डंकिन जा रहे हैं, डंकिन में जा रहे हैं इधर की पुरानी बेस्ट फ्रेंड को मिलने। तो ये है अभी, फिर उसके बाद आकर अभी भाई और मामू वो लोग निकले, क्योंकि भाई की दवाई पिक करनी है ना, तो वो पहले निकल जाएंगे, फिर हम आधा घंटे बाद हम लोग निकलेंगे, तो बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो जी हम लोग निकल पड़े हैं अपनी मंजिल मकसूद पर, तो साथ साथ आपको भी दिखाएंगे। कैमरा मैन हम चेंज करते रहेंगे बीच बीच में, तो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। निकल तो पड़े पर कार से भी निकले हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ। इधर इस हमारी 695 पे ट्रैफिक 14 मिनट का इधर ही डिले है, इधर फंसे रहो। अब देखते हैं कि डक्के में से हम निकल आए, अब हम लोग 495 पे चढ़ गए हैं। अभी भी 54 मिनट हमारे पहुंचने को रहते हैं, चले हुए हैं। ये मैं और वो अगली गली में मामू हैं और साथ भाई, इधर हम लोग मेरा नाम मैं हूँ और दो खालू। तो मैंने कहा क्लिप निकाल लें, मौसम बाहर अच्छा हुआ पड़ा है, वो भी साथ दिखा दें आपको। तो जी हम एयरपोर्ट की हदूद में इंटर हो चुके हैं, तो मैं कहा हम आपको ये भी साथ साथ बता दें। अभी मैं ना आगे खालू को दे दूंगा ना जूम। जहाँ ने टेक ऑफ किया
2000 years later. हम पहुंच गए हैं जी एयरपोर्ट हेरा, रश आज भी है। अब पहले तो टिकट लेनी है, फिर उसके बाद पार्किंग लबनी है, देखो मिलती है कि नहीं। और यह भी है कि दोनों गाड़ियां साथ साथ किधर पार्क हो जाए तो वो अच्छी बात है, ज़रा वो जाकर देखें। तो जी इस गेट से बाहर आएंगे, मामू का मैसेज आ गया कि लैंडेड, तो अब उनका हम लोग ने वेट करना है। जैसे ही आएंगे आएंगे तो तब दिखा तो नहीं सकूँगा क्योंकि फैमिली है, तो फिर आगे सामान का वेट होगा, फिर वो लेकर आगे निकलेंगे। फैमिली मेम्बर्स तो आ गए हैं, अब हम लगेज का वेट है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि हमें फर्स्ट टाइम में मिल जाए, टाइम लगता है। जब मैं आया था ना तो ये हो गया था कि मुझे बैग मिल गए थे और ये मेरे भाई लोग लेट आए थे, तो अभी लगेज का वेट हो रहा है। लगेज भी आ गया था, बस अब गाड़ियों की तरफ चल रहे हैं, तो फिर घर को निकलेंगे। बाकी है कि घर जाकर मैं अब कंटिन्यू करूँगा। तो जी हम लोग सारे पहुँच गए थे घर, खाना शाना भी खा लिया, बाहर ज़रा वॉक करने आए थे, तो मैंने कहा व्लॉग भी एंड कर लूँ। मुझे नहीं पता कितना लंबा व्लॉग क्या ये एडिट करूँगा तो तभी पता लगेगा। बाकी है कि वो जो कल गाड़ी देखने गया था उसका भी बता दूँ, वो बाद में मामू लोग गए थे ना तो वो मामू ने ख़रीद ली, वो भी वहाँ पर खड़ी है पर मैं दिखाऊँगा नहीं। ये कि यहीं पर मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।